लोग आए हैं जंगल जंबूरी और हम लोग ट्राई करने वाले हैं बारबेक्यू, जो कि नॉन वेज है। मोस्टली सब लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो हम लोग ट्राई करेंगे नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन। तो देखते हैं कैसा है यहाँ का। हाँ बिट्टू, पार्टी बिट्टू की तरफ से है। ऑल पेमेंट विल बी डन बाय बिट्टू। हाँ ना, बोलो कुछ तो बोलो। इधर इधर ओए। तो ये 7-course बुफे है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फिफ्थ है, फोर्थ है ना, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। हाँ हाँ ठीक है। और बाकी सब आपको जाकर लेना पड़ेगा, और साथ में ड्रिंक कम्प्लीमेंट्री है, जाकर हम लेकर आ सकते हैं। और इन विच हमने ऑर्डर किया है वर्जिन मजीटो और ये एरेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, 3 वर्जिन मजीटो और 1 एरेटेड ड्रिंक्स। और ये हमारा तंदूर लग चुका है। हो गया। ये है ग्रिल्ड फिश और ये चिकन सॉटे। कैसा है ये फिश? बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया। सूप भी बहुत अच्छा है, ये ट्राई करते हैं। ये तो ऑलवेज ये है मटन गुलाटी। गुलाटी मटन गुलाटी वाइट पास्ता। थैंक यू। ये है मटन गोश्त दही वाला और ग्रिल्ड फिश विथ लेमन बटर सॉस। ये तुम लिए थे क्या उस टाइम? हाँ ये हाँ ये डिफरेंट है। ये उस दिन लिए थे सॉल्टेड चिकन, नहीं सॉल्टेड चिकन सॉस, और ये डाइस चिकन विथ सेजवान सॉस। दिस वन इज सेजवान सॉस। बटर चिकन कैसे है? सो वी आर बैक। तो एम्बियंस की बात करें तो वन बाय वन बताओ कैसा था एम्बियंस वहाँ का? मतलब बहुत क्राउडेड था, बहुत ही स्पेस कम था, कंजस्टेड था एज कम्पेयर टू लीजेंड बारबेक्यू एंड बारबेक्यू नेशन। हाँ ठीक है। तो माने कैसा लगा एम्बियंस तुमको वहाँ का? बढ़िया नहीं था।
लेकिन मुझे लगा कि संडे था इसकी वजह से थोड़ा क्राउडेड सा फील हो रहा था, अदरवाइज एम्बियंस वॉज गुड फॉर किड्स, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एम्बियंस है. नाउ फूड की बात करते हैं, ठीक है. स्नैक्स कैसा था, जो स्टार्टर सब कैसा था? एवरेज था. एवरेज तो क्या एवरेज मतलब क्या तुमको पसंद है उसमें क्या? नॉन स्पाइसी था, कुछ भी लग रहा था कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर हम लोग खा रहे हैं वैसा था. और फिश मेरे अकॉर्डिंग फिश का एक आइटम एक उसका बेस्ट था, वो जो फिश का जो आइटम था. तो स्नैक्स में एक फिश का आइटम था, आई विल कमेंट बिलो कि क्या फिश का वो आइटम था विच वॉज बेस्ट. उसके अलावा जो सूप था चिकन सूप वो भी बहुत अच्छा था. फिश का दो तीन फ्राई फिश था वो भी बहुत अच्छा था, बाकी एवरेज था चिकन का. और जो उन्होंने ग्रिल करने के लिए दिया था दो ही ऑप्शन उन्होंने दिया था. सो मुझे लगा कि अगर आप कंपेयर करते हो लेजेंड बारबेक्यू और बारबेक्यू नेशन से तो आइटम थोड़े कम थे यहाँ पर, ऑन एन एवरेज थे अगर आप कंपेयर करते हो लेजेंड बारबेक्यू और बारबेक्यू नेशन से. और प्राइसिंग अगर बात करें तो नॉन वेजिटेरियन आइटम जो कि संडे को लंच टाइम में 3,000 रुपये लगे टोटल चार लोगों के लिए. सो मेरे अकॉर्डिंग अफोर्डेबल रेट है. तो अगर आप जाना चाहते हो वहाँ पर यू कैन ट्राई वंस ओवर देयर.